2 से 3 महीने में तैयारी करना चाह रहे हो तो सबसे पहले नंबर पे थ्योरी की बुक चूज करोगे। थ्योरी की बुक चूज करने के बाद आप रफीउल्लाह के पॉइंट्स पे आ जाओ। रफीउल्लाह के पॉइंट्स करके वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, वो आपको डबल ए में, मेड कॉल पे या राबियाल पे मिल जाएंगे। जब वो कर लो तो उसके बाद जो लेटेस्ट एसके का एडिशन आया होता है आप वो कर लो। ये आपका 100% श्योर पैकेज है आपके पास होने की तरफ, जस्ट इस पैटर्न को फॉलो करो। और अच्छा, पार्ट वन की जो तैयारी आपने करनी है उसके लिए 3 स्टेप्स में तैयारी है आपका, 3 स्टेप। पहले नंबर पे थ्योरी की बुक आ गई, सेकंड नंबर पे आपने वो वाले एमसीक्यूज करने हैं जो कि तकरीबन अब से 6 महीने से लेके 2 से 3 साल तक आए हुए हैं या इससे पहले के, और उसके बाद लास्ट पे आ जाती हैं वो बुक जिनमें रिसेंट एमसीक्यूज मौजूद होते हैं। हम इन 3 स्टेप्स में तैयारी करेंगे। इन 3 स्टेप्स में से अगर आप किसी भी स्टेप पे जंप करोगे तो वो फिर आप रिस्क लाइन में आ जाओगे या ग्रे शेड एरिया में आ जाओगे। तो अगर आप अपने आपको सेफ साइड पे रखना चाहते हो तो इन 3 बुक्स के थ्रू आप तैयारी करोगे। अब सबसे पहले मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि हसीब भाई थ्योरी की बुक कौन सी चूज करें, तो मैं एक बात कहता हूँ कि थ्योरी की बुक हमने वो चूज करनी है जो एक बाइंडिंग के अंदर हो। एक बाइंडिंग के अंदर मीन्स उसी में एनाटॉमी, उसी में फिजियो, बायोकेम, पैथो, हर चीज हो। मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं जी के मल्टीपल बुक्स चूज कर लेते हैं और उनके फेलियर की वजह बनती है। तो सबसे पहले आपने एक वो बुक चूज करनी है जो कि हर चीज को एक ही बुक कवर कर ले। अब मैं मार्केट में जब आप जाते हो तो बहुत सारे लोग, मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा लेकिन मैं किताबों के नाम बोल देता हूँ जी, जो आप लोग सुनते हो, आप सुनते हो जी नसीम शहजाद का नाम सुनते हो, फास्ट एड बाय रफीउल्लाह का नाम सुनते हो, ये किम्स नोट्स आ जाते हैं वो सुनते हो, तनवीर नोट्स आ जाते हैं, डबल ए आ जाता है जी, एस के आ जाता है, और ये एस के की पुरानी एस के 1-13 आ जाता है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं भाई कि ये क्या चीज़ें हैं। एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले बुक को आप डिफ्रेंशिएट कर लो। इनमें कुछ बुक्स हैं वो थीरी की हैं, कुछ बुक्स हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए हैं। राबिया अली भी अब इनमें के नाम सुनोगे। तो इन सब चीज़ों में क्या है, सबसे पहले मैं थोड़ा फर्क कर दूं। इनमें जो नसीम शहजाद है, फास्ट एड बाय रफीउल्लाह है, किम्स नोट्स आ जाते हैं, और एक बुक और है वो अभी रिसेंट मतलब मार्केट में आई है जी, मैं उसको किसी बुक को मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा लेकिन बता रहा हूँ कि जो मार्केट में ये गोल्ड स्टैंडर्ड FCPS है, ये न्यू बुक अभी मार्केट में एक लॉन्च हुई है। इन सब बुक्स में से जितने भी ये राइटर हैं, माशाल्लाह सारी बुक्स अच्छी हैं, मैं किसी को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलता, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि लेट्स सपोज पास में कोई एमसीक्यूज क्लेविकल के ऊपर आया है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लेविकल का टॉपिक पकड़ के एक्सप्लेन कर दिया। अब इनके लिखने का स्टाइल डिफरेंट है लेकिन तीनों चारों बुक्स में कंटेंट सेम है। किसी बंदे ने ये नहीं सोचना कि यार उसने फास्ट एड बाय रफीउल्लाह ले ली तो जी उसकी बाकी किताबों का सिलेबस मिस हो गया। नहीं, चारों राइटर्स ने या पांचों राइटर्स ने सेम चीज लिखी हुई है। मैं दोबारा नाम बोलता हूँ थ्योरी के बुक के, नसीम शहजाद, फास्ट एड बाय रफीउल्लाह, और साथ में किम्स नोट्स हैं, राबिया अली भी इसी लाइन में आ जाता है, उसमें भी थ्योरी साथ एक्सप्लेन की हुई है, और एक ये न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड की बुक आई है ये वाली। इन सब बुक्स में सेम चीज लिखी है लेकिन लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। नसीम शहजाद ने क्लेविकल को लेट्स सपोज पैराग्राफ की शक्ल में लिख दिया है। जो फास्ट एड बाय रफीउल्लाह है वो जस्ट कोई जो बंदे फर्स्ट एड को पसंद करते हैं उसने फर्स्ट एड की तरह वो बुक एक्सप्लेन कर दी है। तीसरे नंबर पे किम्स नोट्स आ जाते हैं, उसने बुलेट्स की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया है, और बाकी बुक्स में भी यही किया कि जस्ट उनका लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, कंटेंट सेम लिखा हुआ है, सब ने पास पेपर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इनमें से कोई एक बुक उठा लो आंखें बंद करके, हाँ तनवीर नोट्स, तनवीर नोट्स भी उसने पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है कि लाइक CVS के पॉइंट्स जो भी आज तक MCQs आए हैं उसने पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया है। इन पांचों पांच बुक्स हैं, इनमें से कोई आप एक बुक चूज कर लो बिला झिझक और ये सोचे बगैर कि जी मेरा सिलेबस मिस होगा। नहीं, आप कोई एक बुक चूज कर लोगे वही आल इन आल है, बाकी सब बुक्स में वही लिखा है लेकिन लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। जब आप यहां से निकल आए आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, आपने यहाँ पे थ्योरी पढ़ ली, अब थ्योरी की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए बहुत फेमस है रफीउल्लाह के पॉइंट्स। रफीउल्लाह के पॉइंट्स याद रखिएगा, फास्ट एड बाय रफीउल्लाह अलग बुक है और रफीउल्लाह रेडियंट नोट्स अलग बुक है। इसमें 540 पॉइंट्स हैं। ये 540 पॉइंट्स भी रफीउल्लाह ने क्या किया है कि जो पास्ट एमसीक्यूज आज तक आए हुए हैं उसने उनको जरा एक अच्छे ना डिटेल फॉर्म में लिख दिया। लेट्स सपोज के एक एमसीक्यू आया है जी के, मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि रफीउल्लाह ने 540 पॉइंट दिए हैं, 540 पॉइंट में एक पॉइंट ये भी है कि जी के जो डोर है वो ब्लैक कलर का है। लेट्स सपोज अब उसने क्या किया, डोर ब्लैक कलर का एक हेडिंग दे दी, उसके बाद डोर से रिलेटेड जितने नीचे एमसीक्यूज आए हुए हैं पास्ट में सारे लिख दिए। मसलन के दरवाजा किस रंग का है, दरवाजे की रंगत क्या है, पीले रंग का क्या है दरवाजा, दरवाजा किस चीज से बना हुआ है, इस तरह के उसने क्या किया है कि हेडिंग दे गए, उसके रिलेटेड जितने एमसीक्यूज आए हैं सारे उस नीचे दे दिए। जब आपने तनवीर नोट्स के 540 पॉइंट्स पढ़ लिए उसके बाद अब आप चाह रहे हो जी के मैंने थ्योरी भी पढ़ ली, मैंने तनवीर नोट्स भी पढ़ ली, मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। प्रैक्टिस के लिए 2 बुक्स बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं रिकमेंड करता हूँ। उसमें या तो आप डबल ए नोट्स ले सकते हो, मेटकाल के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर
राबिया अली के कर सकते हो। राबिया अली टॉपिक वाइज है, ये जो है डबल ए, ये चैप्टर वाइज है, और मैट काल के एमसीक्यूज भी अच्छे हैं। सो दोबारा वही, इनमें से कोई बुक ऐसी नहीं है जो इन्होंने खुद से क्रिएट की है, इन्होंने पास पेपर को कंपाइल किया हुआ है। तो 2011 में अगर सपोज करो कोई एमसीक्यू आया है साइटोप्लाज्म पे 2011 की मॉर्निंग टाइम में, मई के महीने में या अगस्त के महीने में, तो भाई राबिया अली ने भी वही एमसीक्यू लिखा है, डबल ए ने भी वही लिखा है, और मेड काल ने भी वही लिखा है। इसको फर्स्ट जो ये इन्होंने जस्ट पास पेपर को कंपाइल किया हुआ है, इनमें से कोई ऐसी बुक नहीं है जी कि वो अपने। और समरी में मैं फर्स्ट एड और बीआरएस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो लंबी रेस पे घोड़े हैं, तो अगर आप साल 1.5 साल में तैयारी करना चाह रहे हो तो फर्स्ट एड और बीआरएस की तरफ जा सकते हो। अगर आपका सीपीएसपी का जो पेपर है, वो पैटर्न मैंने पहले ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो उसमें तकरीबन ये हर एक जो जितने पेपर है, प्लेब भी इवन है, पार्ट वन में है हमारा, इसमें पास पेपर पे हमेशा फोकस रखा करो। अगर आप पास होना चाहते हो तो तकरीबन आप 50 से 70% पास पेपर रिपीट करते हैं, उसके बाद जो ऊपर वाला 30% पेपर होता है वो न्यू पूल से आता है, ये वो आपकी थ्री की बुक से आता है। तो जब थ्री की बुक आप कर लोगे तो ऊपर वाला 30% भी आपका कवर हो जाएगा, और आपका जो 70% है ये पास पेपर की बुक से कवर हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जो पास पेपर की आपकी बुक्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि ये रफीउल्ला की बुक हो गई, डबल ए, मेडकाल, राबिया अली, और लास्ट पे एसके जो सीरीज आती है, ये आपकी फिंगर टिप पे हो। जब जिस दिन आपकी ये फिंगर टिप पे आ गई ना, तो आपका पेपर पास है। समरी में नसीम शहजाद, फास्ट एड बाय रफीउल्ला, किम्स नोट, सारे सेम चीज हैं। रफीउल्ला, तनवीर नोट्स, डबल ए, मेडकाल सेम चीज हैं। जो राबिया अली है वो हाइब्रिड है, उसमें थ्री एमसीक्यूज हैं, और जो एसके है वो लेटेस्ट एमसीक्यूज हैं। ये ओवरऑल हमारी डिस्कशन है। किसी का क्वेश्चन, कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।